दोस्तों ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के चलते ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन पैकेज देने का ऐलान किया है और ख़ास तौर से ऑटो रिक्शा चालकों को 1,500 रुपये देने का ऐलान किया है। तो काफ़ी दिनों से इस योजना को पेंडिंग में रखा गया था, लेकिन अभी आप साथ में 2021 का एक नया GR आया है, तो चलिए देखते हैं क्या है उस GR में, क्या है उनकी RTO और शर्तें और किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, COVID-19 च्या पार्श्वभूमीवर परवाना धारक रिक्षा चालकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन गो परिवहन विभाग, तो यहाँ पर देखिए शासन निर्णय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 7 मई 2021 का ये GR है। अगर आपको ये GR चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये GR दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं शासन निर्णय। यहाँ पर देखिए राज्यात मार्च 2021 पासून COVID-19 ची दुसरी लाट आली असून सदर लाट रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन अंतर्गत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना तातडीची आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने पॅकेजची घोषणा केलेली आहे। या पॅकेज अंतर्गत रिक्षा चालक परवाना धारकांना प्रत्येक 1,500 एक वेळचे आर्थिक सहाय्य देण्याची बाब समाविष्ट आहे। त्यानुसार राज्यातील रिक्षा चालक परवाना धारकांना एक वेळेचे अर्थसहाय्य म्हणून 1,500 एवढे अर्थसहाय्य देण्याबाबत अटी व शर्ते खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे। तर आता हम यहाँ पर देख लेते कि इनकी अटी और शर्ते क्या है। तो देखिए राज्यातील जे परवाना धारक ऑटो रिक्षा चालक आहेत अशा रिक्षा चालकांना प्रत्येक 1,500 एक वेळची आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे। सदरचे अर्थसहाय्य हे DBT प्रणाली संबंधित लाभार्थ्यांना अदा करण्यात यावे। तो देखिए दोस्तों, ये DBT यानी कि अगर आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक है तो उसको DBT के माध्यम से कहते हैं। तो अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको फ़ौरन अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। जितना भी आपको सरकारी योजना का लाभ मिलता है इसी DBT के माध्यम से मिलता है, और ये DBT यानी कि आपका आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है तो अच्छी बात है, अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तब आपको अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक करवाना होगा। और दूसरा यहाँ पर देखिए, त्यासाठी MahaIT मार्फत पोर्टल विकसित करून त्याद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्याची कारवाई करण्यात यावी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक वेबसाइट पोर्टल एक लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है MahaIT मार्फत। तो दोस्तों जैसे ये पोर्टल लॉन्च होता है तो इसमें आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ये पोर्टल लॉन्च होगा तो मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से इसमें आवेदन करना है। उसके बाद देखिए, राज्य के 7.20 लाख ऑटो रिक्शा चालकांना प्रत्येक 1,500 प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यासाठी लागणारे एकूण खर्च यहाँ पर आप देख सकते 108 कोटी फक्त एवढे अर्थसहाय्य देण्यासाठी मागणी वाहनावरील कर संचालन। एक छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। तो जितने भी ऑटो रिक्शा चालक है उनको DBT के माध्यम से ये पैसा मिलने वाला है। तो अगर आपका भी आधार कार्ड बैंक में